उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडिया अलायंस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये देश के भविष्य को बचाने वाला चुनाव है। खड़गे ने कहा कि हम सभी को मिलकर देश के भविष्य, लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम दोबारा गुलाम बन जाएंगे। अगर लोकतंत्र ही नहीं है, तानाशाही है, तो कहां से अपनी विचारधारा को वोट डालेंगे। चार जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है आप लोगों को ताजुब होगा, ये इलेक्शन रहने के वजह से हर लोग ये अचंभे से ही इसको देखते हैं और 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है और एक विचारधारा का चुनाव है। हम दो विचारधाराओं के बीच लड़ रहे हैं।